See the weather, guys. Where I am. कोई ये भी वीडियो बनाने में व्यस्त है एकदम. जो इंसान कभी वीडियो नहीं बनाता था. कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है चिड़ियों की, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे और ये फॉग बढ़ता ही जा रहा है. मतलब ये थोड़ी देर पहले तो छट गया था सब फॉग और अब देखो बिल्कुल यहाँ सामने ही नहीं दिख रहा नीचे क्या है क्या नहीं. एंड दिस इज वेरी रोमांटिक. ये मौसम मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं बोलूं. दिस इज आई मीन the most romantic place नहीं. अगर कोई newly married हो ना तो पुराने भी चल सकते हैं मतलब. तो यहाँ पे आओ इतना अच्छा लग रहा है. अभी मेरा भी ज़्यादा सारा फैशन ना भी निकलने वाला है. मुझे तो ठंड लगने वाली है ना. कल माल रोड में हुआ था ना शॉर्ट्स पहन के तो मैं चली गई थी और बाद में जो रात को मुझे ठंड लगी है पता उसकी बाद ही लगी है मुझे ठंड. Guys, I'm back. So, I'm in Kufri right now. मेरा प्लान जो था मतलब हमारा जो प्लान था टॉय ट्रेन में जाने का वो कैंसिल हो गया और उसका एक रीज़न था. अब सिर्फ दो ही टाइम ट्रेन चलती है, एक सुबह के टाइम 8:30 के करीब और एक दिन के टाइम 2:30 के करीब. क्या बताऊँ मेरे साथ ट्रेजिडी हो गई. अच्छा मैंने बताया था ना शायद हाँ कि मैं सो ही नहीं पूरी रात. तो ऐसा ही होता है मेरे साथ क्या करूँ. बट यहाँ कुफरी में आते ही जो नज़ारे दिखे मैंने आपको दिखाई दिया. इट्स सो अमेजिंग. इट्स आई मीन क्रेजी. मतलब ऐसे बादल ऐसे मुंह पर आए हुए ना एकदम. हम बादलों के अंदर ऐसा है. What? दिल तो खुश हो ही गया है. अभी करने का तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा भी क्योंकि एक बार कुफरी में आ चुकी हूँ कुछ टाइम पहले. तो ये तो कोई नहीं नज़ारे मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना. ये हमारी विंडो है पूरी है और विंडो के सामने एकदम आपको दिखाऊँ मैं ज़रा ऐसे धुंध हो रही है. मतलब मज़ा आ गया ना. दिल तो ऐसा गार्डन गार्डन हो गया है ना मेरा तो खास तौर से. सो आई एम सो हैप्पी. मजा आया तो देखती हूँ क्या करती हूँ. अभी टाइम पास करती हूँ. नींद आएगी तो सो जाऊंगी शायद एक आध घंटा. मन ही नहीं कर रहा बालकनी से जाने का ना. ऐसा लग रहा है मैं बस देखती रहूँ ऐसे ना बादल और ये सब. थैंक्स फॉर द बालकनी ऑफ दिस होटल बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए बिकॉज मुझे नींद तो आ नहीं रही थी. सो आई थॉट कि वो टाइम यूटिलाइज कर लूँ. एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल सोनिया चौहान. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू. लेट मी जस्ट इंजॉय दिस वेदर. थोड़ा सा आराम करती हूँ. बाय. ये कैसे आ रहा है बादल है या फॉग है. कितना अच्छा लग रहा है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. और ये झिंगुर की आवाज है पता नहीं किसकी इतनी तेज तेज आवाज आ रही है. चिंग चिंग चिंग. पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये रिसोर्ट बना रखे हैं लोगों ने. ये फॉग और ये मैगी और ये चाय. About you, about you, oh, you.
So, are you liking the place? Very beautiful. कुछ दोस्तों से बात की दिन में, वहाँ धूप निकली हुई थी. हाँ. दिल्ली नोएडा NCR और यहाँ जैकेट में खड़े हम लोग इस फॉग में, बारिश में. दो मिनट में फॉग हो जा रहा है, दो मिनट में छट जा रहा है. बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा यहाँ पे वेदर है. Morning. मॉर्निंग गाइस. ओह माय गॉड, अभी भी आप देखोगे कि वेदर वैसा का वैसा ही है. आई मीन वी लिटरली सी एनीथिंग. इट्स ऑलमोस्ट नॉट जीरो विजिबिलिटी, बट बहुत ही आई मीन दिख ही नहीं रहा है. एंड यहाँ रहो तो अच्छा है, बट अब यहाँ से निकलना चाहते लग रहा है कि भाई ये फॉग हटे तो हम यहाँ टाइम से निकल भी पाए. सूरज कब निकलेगा और कब ये मतलब ये छटेगा फॉग. बट यार अभी तो क्या, यहाँ पे है तो इंजॉय कर रहे हैं. मतलब ये वेदर तो समथिंग एल्स आई वुड से. मैंने शॉल भी पहन लिए क्योंकि बाहर आ तो जाती मैं वीडियो बनाने के लिए, फिर बाद में मुझे लगता है यार ठंड लग गई. एंड इफ यू रिमेम्बर, ये शॉल मैंने मसूरी से लिया था. अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है मसूरी वाला, देन गो एंड चेक दैट व्लॉग ऑल्सो. वो भी बहुत मस्त व्लॉग था, बहुत मस्त ट्रिप था. अभी तक क्या था, यहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह जो कोविड की RT-PCR होती है ना, RT-PCR वाली जो, हाँ, रिपोर्ट वगैरह नहीं मांग रहे थे और कुछ चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी. बट आफ्टर 13th of August ये डिप्लॉय हो गया है सारे मतलब हिमाचल में, कि कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसको रिपोर्ट वगैरह दिखानी पड़ेगी. और अमन अगर डोज लगा रखी है दोनों तो आपको वो दिखाना पड़ेगा. तो वी आर सो लकी कि हमने 12 तारीख को ही प्लान किया. इट्स गुड बिकॉज हमने एक ही डोज लगवा रखी थी और कोई हमारे पास ऐसी रिपोर्ट वगैरह नहीं थी. आई थिंक इट्स गुड कि अगर आप आ रहे हो तो बिना रिपोर्ट के नहीं आना है. तब हमारे तरह लकी नहीं होते. ओके, एक्चुअली दो दिन हमारे ऐसे भागम भाग में रहे ना यहाँ पे. यहाँ पे आना इट्स लाइक 3-4 घंटे लग गए हमको आने में. तो वो सब जो था ना, ऐसा लगा दो दिन से वी आर आई मीन कंटिन्यू ड्राइव ही कर रहे हैं. ऐसी आवाज आ रही है चिड़ियों की, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. यू कैन फील इट एक्चुअली. आई कैंट से एनीथिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस आई मीन अमेजिंग प्लेस. बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जब वो होता होगा स्नो वगैरह गिरती होगी तो कितना अच्छा होता होगा. आज के लिए कुछ नहीं है. मतलब कुफरी में हम एक बार पहले आए थे तो वहाँ घूम लिया था. एक पॉइंट है वहाँ पे मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बट वो टाइम पास सा होता है. तो आई थिंक यहाँ पे मेन जो है वो ब्यूटी है. ब्यूटी ही है जो मेन जो चीज़ है यहाँ पे. आप यहाँ पे नेचर को आप फील करो, इंजॉय करो. आज एक्चुअली बहुत मैं दो दिन बाद मैं फील कर रही हूँ नॉर्मल, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो गई है जो दो दिन से नहीं हुई थी. और ऐसे ही घूम रही थी मैं पागलों की तरह. बट ठीक है, ब्रेकफास्ट किया. वी आर गोइंग टू मशोबरा. मशोबरा में भी एक होटल बुक कर रखा है. तो 3 दिन का स्टे हमारा था. सो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सो आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हेयर ओनली, बिकॉज मैं वहाँ भूल गई थी एंड करना ऑफिशियली. सो इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया. वी हैड सम क्वालिटी टाइम और उसके बाद बस चेकआउट किया. बट हाँ, उससे पहले हमने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्स ली यहाँ पे बालकनी में.
एंड वो पिक्स भी मैंने इस एंड ऑफ द वीडियो में लगा दी है, सो जस्ट चेक इट आउट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग विच इज़ इन मशोबरा, एंड दैट व्लॉग वुड बी मोस्ट फन एंड एडवेंचरस. एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक इट, एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन, stay safe, be happy, and don't forget to smile. Bye.